तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइस, MI12 की डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। आज न्यूज़ निकल के आया रेडमी फ़ोन्स को लेके, कुछ शॉमी फ़ोन, कुछ MI12 से रिलेटेड क्या अपडेट आई है और कुछ नए लॉन्चर से रिलेटेड क्या अपडेट आई है, वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट ज़रूर करिए गाइस। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से वंचित रह जाएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं वो आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, अपडेट नंबर 29 नवंबर 2023 12:12 में बताया कि नया पावर मीनू हमारा आ चुका है। बारह बज के 12 PM पे पता चला है कि हमारा नया पावर मीनू गाइस आ चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड 11 में, लेकिन वो रन करेगा, लेकिन उसको शॉमी फ़ोन के लिए पोर्ट कर दिया गया। एंड्रॉयड 10 के जिन्होंने पोर्ट किया है, xiaomi.eu करके उनका वेबसाइट है, और वो कस्टम रोम में जल्दी वीकली या बीटा अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको न्यू पावर मीनू चाहिए तो हमें कमेंट करिए और साथ ही साथ हमें बताइए कि आपको नया पावर मीनू चाहिए या नहीं। फिर 7:45 में पता चला कि शेवरल रेडमी नोट 7 में MI12 इंडिया के लिए वाइडर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये गाइज मैं आपको बता रहा था कि रेडमी नोट 7 7S के लिए MI12 अपडेट वाइडर रोल आउट हो चुका है इंडिया में, और आप लोग कह रहे थे फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से डाउनलोड करिए उस रोम को और सिंपली चूज अपडेट पैकेज की मदद से अपडेट कर लीजिए। मी 10 प्रो, मी 10 लाइट, जूम, मी 9 प्रो 5G, चाइना, ग्लोबल, इंडिया, यूरोप, इंडोनेशिया, रशिया में रिलीज हो चुका है मी 10 के लिए। मी 10 प्रो के लिए गाइज चाइना और ग्लोबल में, और सिर्फ यूरोप में हुआ है। मी 9 लाइट, मी 90 प्रो, रेडमी K20, K20 प्रो, गाइज देख सकते हैं मी 9 लाइट और मी 9T के लिए री रिलीज किया गया है ग्लोबल और यूरोप में, और रेडमी K20, K20 प्रो में बहुत पहले ही MI12 आ चुका था। आई होप आपको लेटेस्ट अपडेट मिल चुका हो रेडमी K20, K20 प्रो का। रेडमी K30 5G, K30 प्रो, K30 प्रो जूम, K30 4G, मी 9 ट्रांसपेरेंट या एक्सप्लोरर एडिशन सिर्फ चाइना में रिलीज हुआ और कहीं नहीं। मी 10 लाइट यूथ एडिशन, रेडमी K35G रेसिंग एडिशन, रेडमी K20 प्रो प्रीमियम, रेडमी 10X 4G, रेडमी नोट 9, गैस सिर्फ चाइना में रिलीज हुआ है, और रेडमी नोट 9 के लिए ग्लोबल और इंडिया में री रिलीज किया गया है MI12 का अपडेट। रेडमी नोट 9 प्रो इंडिया, रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 8 8T, मी मिक्स 3, जैसे कि आप देख सकते हो रेडमी नोट 9 प्रो इंडिया के लिए सिर्फ इंडिया में रिलीज किया गया है अपडेट और कहीं नहीं, क्योंकि इंडिया का फोन है तो इंडिया में रिलीज किया जाएगा। और रेडमी नोट 8 प्रो में गाइस हर जगह रिलीज हो चुका है, चाहे वो रशिया हो, इंडोनेशिया हो, यूरोप हो, इंडिया हो, ग्लोबल हो या चाइना हो। रेडमी नोट 8 में गाइस रिलीज हो चुका है इंडिया के लिए, आई होप आप सभी को मिल गया होगा। रेडमी नोट 8T के लिए सिर्फ ग्लोबल में आया, मी मैक्स 3 के लिए रिलीज हो चुका है सिर्फ ग्लोबल और चाइना में और रशिया में। रेडमी K30i 5G, मी 8 प्रो, मी 8 लाइट, मी 8 एक्सप्लोरर एडिशन सिर्फ रिलीज हुआ है गाइस चाइना, ग्लोबल, इंडिया, यूरोप, इंडोनेशिया, रशिया, और मी 8 लाइट के लिए सिर्फ चाइना और ग्लोबल और साथ ही साथ रशिया में रिलीज हुआ कहीं नहीं। रेडमी 8A के लिए गाइस आप देख सकते हो अभी कमिंग सून है, अभी किसी को नहीं मिला है। Poco F2 Pro के लिए गाइस सिर्फ ग्लोबल में हुआ है, यूरोप में, इंडोनेशिया, रशिया में, इंडिया में तो देखने को तक नहीं मिला है। Poco F1 में सिर्फ ग्लोबल का वाइडर रोल आउट हुआ है, इंडिया में तो दिख ही नहीं रहा, कब मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा भूल जाइए, पता नहीं कब मिलेगा। मी नोट 10 प्रो देख सकते सिर्फ ग्लोबली रिलीज हुआ है और रशिया में। रेडमी नोट 7 7S गाइस देख सकते चाइना, ग्लोबल और इंडिया में वाइडर रोल आउट हो चुका है, मैंने आपको वीडियो दे दी है। आप मुझसे ये मत कहिए कि बीटा टेस्टिंग, उस पर ही मैं वीडियो बना दूंगा कि आप उस अपडेट कैसे कर सकते हो, वो जेन्युइन अपडेट है गाइस, फेक अपडेट नहीं है। मैं जो भी वीडियो देता हूँ फेक वीडियो नहीं देता हूँ, वरना मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ, आप सभी लोग जानते हो। रेडमी नोट 6 प्रो में गाइस ग्लोबल में दिखा रहा है दिसंबर मान के चलिए, और इसमें आएगा आपको शायद 2021 में। रेडमी नोट 5 में गाइस देख सकते हैं अभी कहीं नहीं, कमिंग सून दिखा। रेडमी 9 में गाइस अभी नवंबर में एक्सपेक्ट दिखा रहा था और इंडिया में तो कुछ दिखा नहीं। रेडमी 8 में गाइस कमिंग सून दिखा रहा है। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में इंडिया में पार्शियल रिलीज किया गया था। रेडमी 8A प्रो में गाइस देख सकते हो अगस्त में आएगा इंडोनेशिया में। रेडमी 7 7S 6 में गाइस इस ईयर के अंत तक देखने को मिल सकता है सभी डिवाइसेज में, रेडमी 7 7S 6 में।
सिक्स ए सिक्स प्रो, रेडमी एस टू वाई टू, मी टेन लाइट 5G, रेडमी 10X 5G। रेडमी 6A में गाइज इंडिया में नहीं दिखा है, रेडमी 6 प्रो में गाइज रिलीज हो चुका है, अभी तक नहीं मिला है आपको, तो जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। रेडमी एस टू वाई टू देख सकते हैं गाइज रिलीज हो चुका है इंडिया के लिए। रेडमी वाई थ्री वाई टू में जल्दी देखने को मिल सकता है आपको। रेडमी 10X Pro 5G, मी सी सी 9 Pro, मी 9 SE, मी मिक्स 3 5G, पोको X2 गाइज आप देख सकते हो तो चाइना में रिलीज हुआ है, और पोको एक्स टू के लिए रोल आउट रिज्यूम कर दिया गया इंडिया के लिए। रेडमी नोट 7 प्रो वाइडर रोल आउट हो चुका है पहले ही। मी नोट 3, मी मिक्स 2S, रेडमी नोट 9S, मी नोट 10 लाइट ग्लोबली रिलीज कर दिया गया। आराम से आप डाउनलोड करिए, मजेदार। मी सी सी 9, मी मिक्स 3, मी सी सी 9 म्यूटेड एडिशन, मी 8 SE, मी मिक्स 2 चाइना में रिलीज हुआ है खाली, और मी मिक्स 3 के लिए ग्लोबल और रशिया में। पोको M2 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबल, रेडमी 9 प्राइम, मी सी सी 9E, रेडमी नोट 5 प्रो। जैसे कि आप देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो के लिए अभी कोई अपडेट नहीं दिखा रहा, लेकिन जल्दी आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। और पोको M2 प्रो में रिलीज कर दिया गया था पहले ही, और रेडमी 9 प्राइम में जल्दी ही वाइडर रोल आउट हो जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा। सो ये थी आज की न्यूज़, और आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111, सपोर्ट अस।